सो हेलो बॉयज, आ चुके हैं हम फिर से बाहर। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिजलियाँ चमक रही हैं और बादल भी हैं। लाइक थॉर कभी भी आ सकता है तूफान लेकर, नॉट एग्जैक्टली तूफान लेकर, क्योंकि हम लखनऊ में हैं और यहाँ तूफान बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो आज रोजर काफ़ी खुश हैं क्योंकि आज इनके टाइप का मौसम है, ना गर्मी है, बहुत ठंडी भी नहीं है। और ख़ास चीज़ आज मेंढकों की आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें रोजर भाई साहब मेंढक की आवाज़ से परेशान थे, तो प्लीज़ उसको देख लो। काफ़ी इन्होंने मस्ती की थी मेंढक के साथ, मेंढक की आवाज़ से ये याद आ गया। तो हम चल रहे हैं आगे। आज जहाँ पे इनके दोस्त बैठे थे, रिंकू और बबली, और जहाँ पे कोई नहीं क्योंकि वहाँ पे पानी भरा हुआ है, मुझे दूर दूर तक कहीं दिख भी नहीं रहे वो लोग कहाँ चले गए। ओके, शायद उन्हीं को ढूंढ रहा है ये, क्योंकि यहीं बैठे होते थे, भागते थे। और नहीं, ऑलरेडी इतना पानी गिरा भाई साहब ने, और पानी गिरा दिया। आज पानी भरा है, पूरा मोरंग भरा हुआ है पानी, यहाँ कोई बैठने का चांस नहीं है। तो बबली और पिंकू भागे फिर रहे हैं। जैसे इन्हें सोना दिख गया हो, सोना नहीं सॉरी, इनके केस में हड्डी दिख गई हो, रुक कर चौंक गया, क्या देख रहा है। आ जाओ आ जाओ, उसको पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। जहाँ पे भी पानी दिखता है तो वो पानी में घुस के छपाछपी करने की कोशिश करते हैं, पर इनको जैसा रोक के रखा है ना कि बारिश का पानी, गंदा पानी पड़ा हुआ है तो उसमें ना जाएं, तो कई बार जाने कोशिश करते हैं फिर पैर पीछे कर लेते हैं कि नहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मैं हूँ साथ में, तो हम डांटेंगे जाएंगे तो। रोजर का क्या है, आजकल हर बार मुझे यहाँ तक खींच के लाता है। हमारे घर के पास जैसे दो स्पॉट है जहाँ ये दूसरे के घूमने जाते हैं, एक इनकी शॉर्ट वॉक के लिए, जब ये दोपहर में चिल्लाता है तो दोपहर में हम यहाँ तक नहीं ला सकते क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड रहता है। यहाँ गाय भैंस आती हैं हरी घास खाने के लिए, जैसे कि प्लॉट व्लॉट में हरी घास लगी है खूब सारी, तो गाय भैंसों के बीच में इनको नहीं ला सकते क्योंकि भैंस कई बार चार्ज कर देती है, कई बार ऐसा हो चुका है, देखते ही इनको बच्चा समझ लेती है अपना, काले ये भी काली वो भी, तो कस के रपटाएगी। और इनका तो पक्का है कि ये भाग लेंगे और पिसा मैं जाऊंगा, इसीलिए यहाँ तक इनको नहीं लाते हैं। तो शॉर्ट वॉक के लिए मैंने एक दूसरा एरिया है उधर लेके जाते हैं, थोड़ा सा घुमा के चले आते हैं मोहल्ले में, और लॉन्ग वॉक के लिए मैं इनको यहाँ पर लेके आता हूँ कि आराम से अपना घूम लेगा। और ये सुबह का वक्त है, 10 बज रहा है अभी, तो ये टाइम बिल्कुल सही है, यहाँ कोई काली भैंस नहीं आएगी टाइम।
अच्छा, अब इनको इनका स्पॉट मिल गया है जहाँ पे ये अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। गोल गोल घूमते हैं पहले, सभी करते हैं। या हो गया, तो हर बार ये हो रहा है कि रॉजर मुझे रोज़ यहाँ पे खींच के लाता है। मतलब कि सुबह अगर उठता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वॉक ही करा देते हैं आज, क्योंकि इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो शॉर्ट वॉक के लिए अगर हम लेके जाने की कोशिश करते हैं तो नहीं जाएगा, मुझे रोज़ यहीं खींच के लाता है। सुबह हो शाम हो दोपहर हो, कोशिश करता है कि यहीं आए रोज़। यहाँ पे शायद 2 ही बारी आ पाता है, दिन भर में 2 बारी यहाँ पे आ पाता है। बाकी टाइम इनको मोहल्ले में ही घुमाते हैं। मोहल्ले में घुमाने में खतरा रहता है कि बहुत लोगों को डॉग्स नहीं पसंद है, बहुत लोगों को पसंद है, इसीलिए। अब पेट खाली हो गया भाई साहब को मस्ती चढ़ी है। ये हमेशा होता है, ज़्यादातर कुत्तों में मैंने देखा है कि जितने एक्टिव डॉग्स होते हैं, मतलब एक्टिव ब्रीड की, बहुत ज़्यादा एक्टिव है खेलने कूदने में। ये रॉटवाइलर उनमें से एक है कि बहुत खेलना चाहते हैं लोग, खेलते बहुत रहते हैं। तो अब इनको लीश चाहिए, बार बार लीश पकड़ रहे हैं। अभी मैंने इनको घुमाया, अभी ये मुझे घुमाएंगे। अगर मैंने लीश दे दी तो वो भागेगा तो नहीं, लेकिन ये लेके चल देंगे। एक बार ऐसा हुआ था कि लीश मेरे हाथ से छूट गई थी, ऐसे ही ये मस्ती कर रहा था। तो क्या किए थे, ये लीश को पकड़े और धीमे धीमे ठमकते ठमकते चल दिए आगे। इनको शायद पता नहीं था कि लीश छूट गई है या मैंने छोड़ दी है इंटेंशनली। तो उस वक्त मैंने भागा नहीं इनके पीछे कि जल्दी से पकड़ लें इनको, क्योंकि अगर हम भागते तो इनको समझ में आ जाता कि इनकी लीश छूट गई है और ये फ्री हैं अब, तो ये शायद रफ्तार पकड़ लेते अपनी, जगरनॉट बन जाते। मैं धीमे 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 गया और लीश पकड़ के ले आया। ये मस्ती कर रहा है, पहले मुंह में पकड़ेगा फिर पैर से नीचे कर देगा। वाह, क्या दिमाग पाया है। जैसे इसने पैर से किया ना, वैसे ही ये अपना जो गले में पट्टा है वो भी निकाल सकता है। अरे यार, ये इस वक्त बहुत दर्दनाक है क्योंकि ये मस्ती के मूड में है और ये दबा रहा है पकड़ कस के। ज़्यादा तेज़ नहीं दबा रहा है, ऑफ कोर्स इंटेंसली नहीं काट रहा है, क्योंकि इंटेंसली काटेगा तो बहुत तेज़ दर्द होगा। और ये इस वक्त लीश लेने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा हाथ बीच में आ जा रहा है। दिमाग लगाते हैं, ये दिमाग बहुत लगा रहे हैं कि ऊपर से ही खींच लें। कई बार खतरा रहता है कि इसे उछल के पकड़ता है तो कई बार मेरा हाथ पकड़ लेता है। और इनका वज़न करीबन 40 किलो हो चुका है, तो 40 के ऊपर ही होगा। तो अगर पूरी फोर्स से पकड़ के कोई चीज़ नीचे खींचता है तो 40 किलो के फोर्स से ही गिरेगा, और फिर नन्ही सी जान मेरा क्या होगा। अभी मस्ती में है एकदम, कुछ सूझ नहीं रहा है और चल रहे हैं। पानी बरसना शुरू हो गया है, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं, तो मुझे जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि अगर कोई भी भीगा, हम भीगे या ये भीगे, दोनों को ही फीवर होगा फिर। अभी रिस्क नहीं उठा सकते बिल्कुल भी, माहौल ऐसा चल रहा है कोविड का। और ये है कि कपड़े गंदे करने पर लगे हुए हैं, शर्ट पे अच्छा खासा धब्बा दिया है इसने। ये अभी भी मस्ती आ रही है, अभी नहीं जाना। ये इसका रोज़ का है, जैसे ही अपनी पीपी पुपू ख़त्म करता है ना, तो ये बस चालू हो जाता है कि नहीं अब मस्ती करनी है, और उस मस्ती में सज़ा मुझे मिलती है। कभी कभी मस्ती करते करते गुर्राने लगेगा और एग्रेसिव होके मांगेगा लीज दे दो। तो अगर मतलब मुझे तो पता है कि क्या हरकतें हैं इसकी, क्यों कर रहा है ऐसा, लेकिन अगर कोई और लेके आता है मेरे अलावा तो वो समझ नहीं पाता है उस वक्त कि क्या करना है अब। और वो घुर्राएगा तो वो डर जाएगा, जो भी लेकर के आ रही है देखो मस्ती कर रहा है, फुल मस्ती। इसीलिए घर में कोई भी इनको घुमाने नहीं जाता, इसी वजह से कि ये घुर्राते हैं। और हर बार इनका घुर्राना काटना नहीं होता है, कभी भी आप कुत्ता पालें, कोई भी पालें, तो हर बार घुर्राना या चिड़चिड़ापन दिखाना, तो हर बार काटना नहीं होता है। कई बार डॉग्स को जब ज़रूरत होती है तब भी वो घुर्राते हैं या चिल्लाते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है।
अभी ये जल्दी नहीं जाने वाले। सो ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।